नमन आचार्य जी मेरे दिमाग में कुछ 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 शब्द जो थे वो कौन से गए जैसे सबसे पहला कौन नैतिकता मुझे अभी तक भी नहीं समझ में आता कि वास्तविक नैतिकता क्या होती है एक एक एग्जाम्पल दूँ नैतिकता के मारे अगर जो मैं अपने पिताजी से कहूँ कि भंडारा करवा दीजिए वो करवा देंगे ठीक है उसमें भी उन्हीं लोगों को खिलाएंगे जिनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है नैतिकता क्या है एक्चुअली मुझे खुद नहीं समझ में आई और जहाँ तक मैं उसके अगेंस्ट ही हूँ अभी तक जितना भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया जितना ज़िंदगी जी पाया हूँ उससे कायदे में कहूँ तो नैतिकता छोड़ करके या नैतिकता उसमें कम ही रही होगी नैतिकता मतलब कि दूसरे का दिखावा कम ही रहा होगा जो मुझे सही लग रहा था वो मैंने करा आचार्य जी कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आ, मैं भूल रहा हूँ जैसे कि नैतिकता के मारे हम अपने पिताजी के साथ ज़्यादा बैठते नहीं थे उनसे उतना घुलना मिलना नहीं था अगर जो मैं याद करूं तो शायद मैं जब कमाने लगा तो घर वर बन रहा था तो पिताजी के बगल में मैं जाके बैठा वो बगल में बुलाए बिठाए बोले घर बनना है कुछ व्यवस्था करो और सब तो शायद तब उनसे थोड़ी खुल के बात हो पाई ये मेरे पिताजी के लिए महसूस होता है वो तो चलिए उनकी ज़िंदगी जो थी वो कम्प्लीट हो गई कुछ साल पहले ये भी ये मुझे भी महसूस होता था कि ये अनैतिक है क्यों ही ज़्यादा एक्सप्लोर करना जा करके क्या करेंगे जान करके ये जान के क्या करेंगे जो बूढ़ापन वाला थॉट था, था वो मेरे अंदर पूरा था पूरा का पूरा था और वो पूरा का पूरा बना इसलिए था क्योंकि वो मुझे अनैतिक सा लगता था अगर जो कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करनी हुई अनलेस कि उसमें मोनिटरी ना जुड़ी हो जैसे कि अभी गाना हुआ डांस हुआ खेल कूद मन कर दिया तो खेल कूद पर कोई वो नहीं लेकिन ये सारी चीज़ों में मुझे अजीब सा ही लगता था वो मुझे खुद महसूस होता था अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं जब से मैं नैतिकता के पीछे या खाँचे में नहीं बैठा हूँ जो देश सबसे जो एरिया सबसे ज़्यादा ग़ुलाम किए गए उनमें ये भावना बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी जैसे उत्तर भारत की बात करें और सब तो क्या ये एरिया का है मतलब मैं पूरा समझना चाहता हूँ कि आखिर ये इसके पीछे क्या है जो नैतिकता जैसे कि अभी कोई आ, आ, गुरु हैं कोई भी तो वो जीन्स पहन के आ जाएंगे तो उनका तो यूं ही मजाक उड़ जाएगा कि गुरु जी जीन्स पहन के मैं आ रहा मैं। ना कल पहन के। <laughs> तो धन्यवाद <laughs> तो ऐसे मैं धर्म के क्षेत्र में भी मैं धर्म के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ये थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ कि लेट से अभी कोई कहे कि आचार्य जी डांस करने भी जाते हैं तो वो बिल्कुल हजम नहीं होगी लोगों को बात तो ये सारी चीज़ें शायद स्क्वास वाली बात तो थोड़ी बहुत हजम भी हो जा रही हो लेकिन अगर जो कोई कह दे कि ऐसे तो वो जैसे नैतिकता के बाउंड्री को तोड़ के आप बाहर जा रहे हो ऐसा कुछ होता है और शायद ये सिर्फ परिवार एक परिवार को देखा जाए ना तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो बेड़ी है एक परिवार के लिए वो सबसे बड़ी बेड़ी तो मुझे यही लगती है अगर जो मैं अपनी मम्मी से फ़ोन करूँ तो अस्सी परसेंट जो भाभी से रिलेटेड बातें होंगी ठीक है वो नैतिकता से ही रिलेटेड होंगी अगर जो मैं पहले सुनता था आप तो सुनता भी नहीं हूँ मैं कि मतलब आप क्या ही बोल रही हैं इसका कोई मतलब नहीं है मैं इस पर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा तो जितने भी कला के मूल हैं वो भी नैतिकता के हैं अगर जब मैं पहले पापा से कोई चीज़ डिस्कस करता था मतलब जब से मैंने नैतिकता छोड़ी थोड़ी बहुत की हटाई मैंने तब से मैं उनसे पूछ जाछ भी करने लगा और पहले वो मुझे वो दंडी समझते थे अब समझदार समझने लगे कि हाँ चलो कम से कम समझ से जो करेगा वो अपनी समझ से करेगा उसे न, मत छेड़ो इस तरह का आ गया तो वो चीज़ जो बाउंड्री थी नैतिकता की वो तोड़ने के बाद ही थोड़ा सा उनको भी महसूस हुई और मुझे भी महसूस हुई और वो चीज़ अब थोड़ा सा इन्वॉमेंट है घर में धीरे धीरे बन रहा है वो इन्वॉमेंट तो ये चीज पूरा कैसे समझू नैतिकता का ये जड़ मुझे लगती है जैसे बूढ़ेपन होने का एक समूह अपने लिए आचरण के अच्छे बुरे का जो निर्धारण करता है उसको नैतिकता कहते हैं तो समाज ने निर्धारित करा कि इस नीति पर चलेंगे ये नीति होनी चाहिए वो नैतिकता अंग्रेजी में मोरालिटी और मोर्स का संबंध होता है संख्या से जनमत से कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं उससे तो मोरालिटी माने जिस वो नीतियां जिनको ज्यादातर लोग सही समझते हैं या गलत समझते हैं अब आप किसी चीज को सही मानना चाहते हो किसी चीज को गलत मानना चाहते हो ये ठीक है कि आप आपकी रुचि है ये समझने में कि क्या सही क्या गलत उसमें समस्या ये है कि समाज अपने हिसाब से चलता है समाज के भीतर जो जागृत लोग हैं जो जो बुद्ध हैं जो मुक्त हैं उन पर नहीं चलता तो समाज अपने लिए जो नियम कायदे निर्धारित करता है वो बहुधा समाज के अपने होते हैं हमने तय कर लिया कि ये ठीक है ये नहीं उसमें संतों ऋषियों ज्ञानियों द्वारा दी गई सीख या सलाह नहीं होती उसमें बहुमत का बस जोर रहता है ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ऐसे ठीक है तो ऐसे ही चलेंगे ये उस समाज की मोरालिटी हो गई और इसीलिए अलग अलग समाजों में नैतिकता अनैतिकता के अलग अलग मापदंड होते हैं एक चीज जो आपके लिए नैतिक है हो सकता है दूसरे शहर में नैतिक ना हो दूसरे देश में नैतिक ना हो और एक चीज जो आपको आज घोर अनैतिक लगती हो हो सकता है आपके ही शहर में आपके ही घर में वो चीज तीन सौ साल पहले नैतिक मानी जाती थी तो चूंकि नैतिकता अनैतिकता का निर्धारण समाज स्वयं ही कर लेता है अपनी चाल के अनुसार तो इसलिए नैतिकता अनैतिकता बदलती भी खूब रहती है एक जगह पे कुछ और चल रहा है दूसरी जगह कुछ और चल रहा है और एक जगह की नैतिकता दूसरी नैतिकता के बिल्कुल विपरीत हो सकती है उनमें लड़ाई हो जाएगी आपस में और एक जगह पर ही हम कह रहे हैं जो आज नैतिक है और कल नैतिक नहीं माना जाएगा हम्म यही है नैतिकता हमें लगता है ये ठीक है तो ठीक है क्यों लगता है ठीक है क्योंकि हमारे पिताजी को भी यही ठीक लगती थी उनको क्यों ठीक लगती थी क्योंकि उनके पीछे की परंपरा है नैतिकता अक्सर परंपरा का एक प्रवाह जैसा होता है लेकिन वो परंपरा भी बदलती रहती है जब उस पर सुख और सुविधा के तमाम प्रभाव पड़ते हैं तो बदल भी जाती है हम जिन चीजों को आज नैतिक अनैतिक बोलते हैं जरूरी नहीं है कि अगले दस साल बाद भी वैसे ही बोलेंगे पर हमारी वो राय इसलिए नहीं बदलेगी कि हमें रोशनी मिल गई है या सच का ज्ञान हो गया है हमारी राय इसलिए बदलेगी क्योंकि जिन चीज़ों को आप आज नैतिक मान रहे हो उनको 10 या 20 साल बाद भी नैतिक मानना महंगा और कठिन हो जाएगा तो आप चुपके से कह दोगे नहीं नहीं कोई आवश्यक नहीं है इस बात को नैतिक मानने की जिन चीज़ों को आप आज अनैतिक मान रहे हो उनको अनैतिक मानते रहना अगर आज से 20 साल बाद बहुत महंगा हो गया तो आप उनको नैतिक मान लोगे तो नैतिकता अनैतिकता बदलती भी रहती है लेकिन वो बदलती भी इसलिए नहीं है कि कोई बुद्ध आया और आपको समझा गया कि तुम्हारी नैतिकता खोखली है तो आपने अपना पूरा मापदंड बदल ही दिया नहीं वो भी नहीं बदलते वो बदलती भी है सुख सुविधा के लालच तले या काल के आघात तले तो फिर बदल जाती है फिर वो तो एक अंधी सी चीज है नैतिकता यहां जितने लोग बैठे हैं सब मिलकर बोलते फलाना काम सही है तो नैतिक हो गया सब मिलके बोलते हैं फलाना काम गलत है अनैतिक हो गया और इससे बड़ा ऑडिटोरियम एक नीचे है वो कुछ और ही बोल रहे हो तो उनके हिसाब से वो नैतिक नैतिक है आप कुछ बोल रहे हैं आपके हिसाब से वो नैतिक अनैतिक है और एक ही समय पर आप भी बाहर निकल जाए बाहर निकल जाए तो इन दोनों दलों में लड़ाई भी जाएगी भयानक और आपके हिसाब से वो नीचे वाले पापी हैं उनके हिसाब से आप अनैतिक हैं समझ रहे हो तो समाज कि अपनी एक निम्न तल की बुद्धि से ये सब नैतिकता अनैतिकता की बातें निकलती हैं हालांकि समाज ने बुद्धि यही सोच के लगाई होती है कि नैतिक अनैतिक जो सोचेंगे उससे हमारा कल्याण होगा सही बुरे का भेद कर पाएंगे समाज ने अपनी ओर से इच्छा यही रखी होती है लेकिन इच्छा से क्या होता है जब बोध ही नहीं है तो कल्याण की इच्छा मात्र से कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा जब आप जिंदगी को समझते ही नहीं तो बस ये सोचने भर से कि मैं अपने बच्चों को सही गलत की ट्रेनिंग दे देता हूं यह मोरल है ये मोरल है नैतिक है नैतिक है यह अच्छा है बुरा है मैं बच्चों को बता देता हूं क्योंकि मैं बच्चों की भलाई चाहता हूं उससे बच्चों की भलाई थोड़ी हो जाएगी आप समझते ही नहीं है वास्तव में क्या अच्छा है क्या बुरा है बच्चों को क्या सिखा दोगे इसके अलावा आप जो भी सिखाओगे वो बच्चों के स्वयं जानने के मार्ग में बाधा भी बनेगा क्योंकि आप उनके ऊपर बस एक बाहरी नैतिकता थोप दोगे वो स्वयं जीवन को समझ पाए आप इसकी न तो उन्हें क्षमता दोगे और ना ही आजादी बल्कि अगर वो अपनी दृष्टि से निर्धारित करने लगे कि क्या पाप है क्या पुण्य तो आप बहुत क्रोधित हो जाओगे चाहोगे आप कहोगे जो चीज हमने जान ली कि पाप है जान ली ना अब तू क्या नया हमको पाठ पढ़ाएगा बस हमें पता है यही पाप है वो बच्चा पूछेगा पर ये बात गलत कैसे? कैसे पाप हो आपके तो उत्तर नहीं होगा आप कहेंगे अरे पूरा मोहल्ला मानता है ये बात गलत है तो गलत ही होगी ना बस कुल मिलाकर के नैतिकता का आधार यही है पूरा मोहल्ला कहता है तो और ये सोचने की कोई जरूरत नहीं कि दूसरा मोहल्ला ही बगल वाला कुछ और कहता है कि उत्तर भारत के मोहल्ले जो बात कह रहे हैं दक्षिण भारत के ही मोहल्ले उस बात को मानते नहीं है वहां दूसरा एक नैतिक शास्त्र चल रहा है कृष्ण कहते हैं कर्तव्य उनके लिए हैं जिनके पास बोध नहीं होता और कर्तव्य तो फिर भी थोड़ा आगे की बात है नैतिकता और पीछे की चीज है नैतिकता उनके लिए है जिनके पास विवेक नहीं होता विवेक होता है जो आपको बताता है शुभ अशुभ का भेद ग्राह्य अग्राह का भेद नित्य और अनित्य का भेद वो विवेक बताता है जब विवेक नहीं होता तो आपको नैतिकता चाहिए होती है विवेक में आपको प्रयोजन होता है नित्यता से नित्यता माने कौन सी चीज असली है कौन सी चीज कालातीत है और अनित्य माने कौन सी चीज बस ऐसे ही है आज है कल नहीं अनित्य है खेत की बात यह है कि इस देश में हमें नित्यता से ज्यादा नैतिकता की परवाह है और नैतिकता भी है सस्ती हमने कहा अभी बदल जाए बीस साल में हमारी नैतिकता पर जब बाजार की चोट पड़ती है और सुख सुविधाओं के प्रलोभन आते हैं तो नैतिकता तत्काल बदल जाती है बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है तो उसको हम बदल भी देते हैं पर हम बदलते तभी हैं जब लालच आ रहा हो कहीं से बोध के कारण नहीं बदलते हम नैतिकता को लालच के कारण फिर भी बदल देते हैं आप जिस घर जिस गली जिस मोहल्ले जिस वातावरण में पैदा हुए पले बढ़े कहीं और होते तो क्या उन्हीं बातों को सही गलत मान रहे होते जिनको आज मानते हो लोग आते हैं बड़े गौरव से बोलते हैं आचार्य जी हम तो शाकाहारी हैं तुम शाकाहारी भी कोई अपने चुनाव से अपने विवेक और बोध से नहीं हो तुम शाकाहारी भी इसीलिए हो क्योंकि घर ऐसा था जैन घर में पैदा हो गए थे या ब्राह्मण घर में पैदा हो गए थे या जहाँ भी हुए थे वहाँ नहीं खाया जाता था मांस तो तुमने नहीं खाया तुम्हारे विवेक ने थोड़ी तुमको बताया है कि हिंसा क्या होती है तुम्हारी नैतिकता आयातित नैतिकता ने तुमको बता दिया है और जिस नैतिकता के कारण तुम कह रहे हो कि मांस नहीं खाते ठीक उसी नैतिकता के कारण तुम इंसानों की हत्या करने को तैयार हो जाते हो पशु का मांस नहीं खाना है लेकिन फलाने धर्म के लोगों को मौका मिले तो मार जरूर देंगे हम नैतिक आदमी हैं देखो तो हमारे संस्कार ये है कि शुद्ध शाकाहारी प्याज और लहसुन भी नहीं खाते किसी जानवर कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे लेकिन वो फलाने लोग हैं कोई मिल गया ना मौका किसी दिन तो एक आध को मार जरूर देंगे हम ये नैतिकता है इसका कोई केंद्र नहीं होता आपकी नैतिकता के जो अलग अलग बिंदु होते हैं उनमें कोई हारमोनी नहीं होती कोई परस्पर सामंजस्य उनमें नहीं होता आप अगर कहते हो कि आप जानवर का मांस नहीं खाते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसी जानवर पर आप अन्य तरीकों से अत्याचार कर रहे हो मांस नहीं खाते पर अन्य तरीकों से कर रहे हो कहीं मैं पढ़ रहा था वो बोल रहे थे हां बिल्कुल गोवध नहीं करना चाहिए लेकिन सिर्फ जो हमारी एटू देसी गाय है उसका बोल रहे ये जो जर्सी सुअर होता है ये तो गाय है ही नहीं ठीक यही शब्द थे जर्सी सुअर जर्सी गाय को लिख रहे हैं जर्सी सुअर है इसको मार दो में कोई फर्क नहीं पड़ता ये नैतिकता है इसका कोई केंद्र नहीं होता ये कह रही है एक प्रजाति की गाय तो गौ माता है और दूसरी गाय को वो तो सुअर है उसको मार दो में कोई फर्क नहीं पड़ता ये नैतिकता होती है और नित्यता आपको कहती है कि अगर अहिंसा है तो है फिर सिर्फ गाय के प्रति नहीं और गाय में भी सिर्फ एक के प्रति नहीं फिर मुर्गे को भी बचाना है मुझे और बकरे को ही बचाना है मुझे और फिर पेड़ और पौधों के प्रति भी हिंसक नहीं रह सकता मैं यह नित्यता का तकाजा होता है फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं मांस तो नहीं खाता लेकिन चमड़े की चप्पल पहनता हूं फिर आप ये नहीं कह पाएंगे मांस तो नहीं खाता पर दूध दही छक्के खाता हूं आप मांस नहीं खाते लेकिन दूध दही छक्के खाते हो तो आप सिर्फ नैतिक हो कोरी नैतिकता है संस्कार है बस उसमें बोध और अध्यात्म कहीं नहीं है विवेक कहीं नहीं है और यही वजह है कि वो नैतिकता खट से टूट जाती है यही देसी आदमी जब अमेरिका जाके पांच सात साल गुजार लेता है तो मस्त होकर के बीफ बर्गर खाता है यहां से निकले थे और बिल्कुल ये नैतिक आदमी थे और फिर कहते हैं अब तो जैसा देश वैसा भेस अमेरिका में तो यही चलता है बीफ बर्गर तो खाने लगता है वहां जाके अगर आध्यात्मिक होती आपकी नीति तो आप भारत क्या अमेरिका में क्या आप चांद पे होते मंगल में होते आप कहते मर जाऊंगा मांस नहीं खाऊंगा पर हमारी नैतिकता तो अवसरवादी होती है अपरचुनिस्ट जहां मौका मिला वहां बदल भी जाती है मौका क्या मिला भारत से अमेरिका जाने की भी जरूरत नहीं है मंगल से बुद्ध होने तो मंगल को नहीं खाते हैं बुद्ध को खाते हैं गजब नैतिकता है जो मंगल को मांस नहीं खाती पर बुद्ध को खाती है और लाज भी नहीं आती छाती चौड़ी करके चलते हैं कहते हैं हम संस्कारी आदमी है पूछा करो ना पर क्यों वेदांत ने मेरा दिल इसीलिए जीत लिया था उत्तर ही नहीं मिलते थे सिर्फ सवाल मिलते थे क्यों कुछ सामने रखो कि ऐसा है मुझे तो है मैं कहूं ऐसा है तो जवाब आता था है और आगे प्रश्न चिन्ह सचमुच ऐसा है या बस तुम्हें ही लग रहा है ऐसा है तो किसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ तुम्हारे ही लिए तुम्हें ही लगता हो सत्य है या कल्पना है नित्य है कि अनित्य है और वेदांत का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं इसीलिए जो आम नैतिक और संस्कारी आदमी है ये आध्यात्मिक लोगों से बहुत चिढ़ते हैं कर्मकांडियों को सबसे ज्यादा चिड़ अगर होती है तो ज्ञान प्रेमियों से वो सारे कर्मकांडी अनुष्ठान करेंगे उनसे ज्ञान की बात कर दो एकदम बौखला जाएंगे क्योंकि उनके कर्मों का उनके फैसलों का उनकी नैतिकता का कोई आधार नहीं है कोई जड़ नहीं है बस यूं ही है पप्पा ने करा तो हम भी कर रहे हैं और सवाल मत पूछना क्योंकि जवाब हमारे पास है नहीं सवाल मत पूछना और वेदांत कहता है सिर्फ सवाल पूछना मान मत लेना और और सावधान रहना क्योंकि भीतर एक दुश्मन बैठा है जो मानने पर ही चलता है वो कहता है जानने का श्रम कौन करे जल्दी से मान्यता बना लो वेदांत कहता है सतर्क रहो वो मानने वाली माया बैठी है मानना नहीं है बाल की खाल निकालो गड़े मुर्दे उखाड़ो जो मुद्दे लगता था कि सुलझे हुए हैं खोजो कि कहीं उनमें भी तो उलझाव शेष नहीं है जहां लगता है सब ठीक है वहां भी जांच पड़ताल करो ये वेदांत बल्कि कहता है जहां लगता है जब सब ठीक है वहां ज्यादा जांच पड़ताल करो दोहराते हैं बात को क्या ठीक है क्या नहीं यह पता होना बहुत अच्छी बात है नैतिकता भी यही बताने का प्रयास करती है कि क्या ठीक है क्या नहीं फिर नैतिकता में समस्या क्या है नैतिकता सही और गलत का फैसला करती है जनमत के आधार पर वो समाज का एक सामूहिक और परंपरागत निर्णय होता है वो एक सामूहिक निर्णय होता है उसमें व्यक्ति नहीं निर्धारित कर सकता क्या नैतिक क्या अनैतिक वो एक पूरी भीड़ ने तय कर रखा है पहले ही कि क्या ठीक है क्या गलत तो पहली बात वो सामूहिक होती है और दूसरी बात उस समूह ने भी सोचा नहीं होता है उसने परंपरा से उधार ले लिया होता है ऐसा भी नहीं कि यहां सौ लोग बैठ गए और सबने बैठ करके चिंतन मनन विचार विमर्श करा बातचीत करी और बातचीत करके निर्धारित किया कि क्या ठीक है क्या गलत ऐसा भी नहीं होता तो नैतिकता सामूहिक होती है और समूह ने भी बस परंपरा से ले लिया होता है तो परंपरागत होती है इसलिए वहां समस्या है वरना जो नैतिकता का प्रयास है वो प्रयास तो अच्छा ही है क्या प्रयास है नैतिकता का सही और गलत में भेद कर पाना नीति और अनीति में भेद कर पाना वो तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन वो जो भेद है वो तुम बेहोशी में थोड़ी ही कर लोगे सिर्फ ऐसे थोड़े भेद कर लोगे कि पिताजी करते थे तो हमने भी कर लिया वो भेद करने के लिए क्या होना चाहिए बोध होना चाहिए उसी को विवेक कह रहा हूं नैतिकता में यह समस्या है उसमें मनुष्य के विवेक के लिए कोई जगह नहीं होती बल्कि मनुष्य के विवेक से चिढ़ती है वो क्योंकि मनुष्य तो एक इकाई होता है स्वतंत्र और नैतिकता होती है सामूहिक और जब मनुष्य इंडिविजुअल खड़ा होता है अपने विवेक अपने बोध अपने डिस्क्रिशन को लेकर तो समूह घबरा जाता है कि देखो एक बागी हो गया ये तो विद्रोही हो रहा है तो समूह खलबली मच जाती है तो फिर नैतिकता विवेक की बोध की दुश्मन बन जाती है नैतिक आदमी हत्या भी कर सकता है आध्यात्मिक आदमी की और नैतिक लोगों ने आध्यात्मिक लोगों की हत्याएं खूब करी हैं क्या सही है क्या गलत इसका फैसला न समाज करेगा ना परंपरा इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका अपना जागरण कर सकता है किस राह चलना है किस राह नहीं ये सिर्फ आपकी आंतरिक जागृति अंदरूनी ज्योति तय कर सकती है में आ रही बात पर आचार्य जी ऐसे तो समाज में अनाचार फैल जाएगा एनआरकी हो जाएगी भगदड़ के मचेगा सब अपनी अपनी चलाएंगे ये डर तुम्हें सिर्फ तब तक लग रहा है जब तक तुम्हारी अपनी आंखें खुली नहीं है तुम्हें डर लग रहा है कि अरे अगर अपने विवेक पर सब चलने लगे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा कुछ नहीं होगा अच्छा होगा दो स्थितियां दे रहा हूं उनमें तुलना करिएगा एक स्थिति है ब्राउनियन मोशन कितने लोग जानते हैं ब्राउनियन मोशन किसी भी फ्लूइड में चाहे वो लिक्विड हो गैस हो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग गति से उनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती कोई एक निश्चित गति नहीं होती गति भी शून्य से लेकर इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है उसका अपना एक नॉर्मल कर्व होता है और जितनी भी दिशाएं संभव हैं हर हर दिशा में वो गति करते हैं और अरबों अरब की संख्या में होते हैं सिर्फ इसमें इतने में ना अरबों अरब से ज्यादा क्या है अणुपरमाणु है और वो सब तो आपस में क्या करते रहते हैं सब भिड़ते रहते हैं वो क्यों भिड़ते रहते हैं सब अंदे, सब अंधे सब अंधे ठीक अब एक भीड़ भरे मैदान की आप कल्पना करिए एक मैदान है जिसपे बहुत भीड़ है कभी देखा है मेला जैसा लगाओ मान लो देखा है? और वहां पर भी मान लीजिए पचास हजार लोग मौजूद हैं पचास हजार लोग मौजूद हैं उनमें से कितने लोग आपस में भिड़ रहे होते हैं कितने लोग भिड़ रहे होते हैं बहुत कम ना और वो एक मैदान है वहां पे ऐसा नहीं कि आपने सड़क बना रखी है या ट्रक बना रखे हैं या कदम कदम पे निर्देश दे रखे हैं कि इस पे ही चलना इस पे नहीं खुला मैदान है कोई कहीं भी चल सकता है ठीक वैसे जैसे इसमें खुला मैदान है कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी दिशा को जा सकता है पर क्या मेले में लोग एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं क्यों नहीं भिड़ रहे होते वो किसी बाहरी दिशा निर्देश पर नहीं चल रहे फिर भी आपस में भिड़ क्यों नहीं जाते क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है जो जागृत है और वो अपनी जागृति के अनुसार निर्णय ले रहा है ऐसे बढ़ना और दिखे कोई सामने से तो ऐसे मुड़ जाना है पर हमें डर लगता है हम कहते हैं जब तक हम सबको बैठा करके एक नैतिक ट्रेनिंग नहीं दे देंगे तब तक तो लोग आपस भिड़ जाएंगे ना कोई भिड़ता है मेले में लोग भिड़ रहे होते हैं एक दूसरे से और उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है उनकी आंख उनका अपना प्रकाश काफी है उन्हें भिड़ने से बचाने के लिए यह होता है विवेक इंडिविजुअल डिस्क्रिशन पर्याप्त है समझ में आ रही है ये बात सोचिएगा बहुत बड़ा पचास हजार भी नहीं सो अरे दो लाख लोग मौजूद है ऐसा भी होता है दो दो लाख लोग हैं वो क्या भिड़ जाते हैं आपस में हाँ, अब कोई अपवाद स्थिति हो उसमें भगदड़ मच जाए ये सब हो जाए वो अलग है पर सामान्यतः उनकी अपनी नजर उनका अपना निर्णय पर्याप्त होता है होता है कि नहीं होता है हाँ तो फिर डरना क्या इतना माँ बाप क्यों इतना डर रहे हैं कि बच्चों को अगर छोड़ दिया कि जिंदगी के फैसले सोच समझ के खुद ही ले लो तो बच्चे न जाने कहाँ जाके भिड़ जाए गिर जाए क्यों डर लग रहा है इतना बच्चों में क्षमता विकसित करो ना उनकी आंखों को रोशनी दो अंदरूनी आंखों की बात कर रहा हूं और देख लो फिर अपना ले लेंगे निर्णय कहीं नहीं भिड़ जाते मुद्दा स्पष्ट है कुछ अभी इसमें अटक रही है बात हम <coughs> देखो अपना निर्णय लेना और पूर्ण बोध तो किसी को हो नहीं जाता अपना निर्णय लोगे तो उसमें संभव है कि कोई कमी खामी खोट रह जाए अपना निर्णय लो और गलती कर बैठो चोट खा जाओ वो फिर भी ठीक है लेकिन उधार का समाज का परंपरा का निर्णय लो और सुरक्षित बने रहो वो भी ठीक नहीं है अपनी जिंदगी अपनी रोशनी के अनुसार चल के चोट खाना भी सही है बजाय उधार के निर्णयों पर सुरक्षित रह जाने से उधार के निर्णय कर लिया और उसमें सुरक्षा मिल गई तो भी मौत ही मिल गई और अपने हिसाब से चले उसमें ऊंच नीच हो गई गलती हो गई इंसान हो गलतियां तो करोगे ही कोई बात नहीं ठोकर खाना कहीं बेहतर है मुर्दा हो जाने से ना